गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दो जगह के फुटबॉल अपडेट देने आपको जा रहे हैं। तो पहला अपडेट आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है आप लोग का दो दिवसीय फुटबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता स्थान डाहुडी तैमराव दसम फोल का, जहाँ पर आज ग्रुप ए के चार मैच खेले जाएंगे, साथ ही दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। तो पहला मैच खेला जाएगा आप लोग का 10 से 10:30 बजे के बीच में बुरुदिसम स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस मुंडा ब्रदर्स के बीच में, और दूसरा मैच खेला जाएगा आप लोग का जय सरना स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस 11 ब्रदर्स के बीच में 10:30 से 11 बजे के बीच में, और तीसरा मैच खेला जाएगा वहाँ पर SS सृष्टि स्पोर्टिंग क्लब और FC बानाबुरु के बीच में 11 से 11:30 बजे के बीच में, और चौथा मैच खेला जाएगा आप लोग का MN स्टिंग क्लब M सुपर स्टार क्लब के बीच में, ये खेला जाएगा आप लोग का 11:30 से 12:00 बजे के बीच में, और साथ ही वहाँ पर दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल बोले तो कल खेला जाएगा, कल भी वहाँ पर 8 टीमें है और 8 टीमों को ग्रुप बी में बांटा गया है। 8 टीमों का पहले मैच होगा, उसके बाद वहाँ का सेमीफाइनल भी खेला जाएगा और साथ ही कल फाइनल मैच भी खेला जाएगा। तो लकटकिया टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, तो आप वहाँ पर भी जाकर मैच का मजा ले सकते हैं। और दूसरे अपडेट की बात कीजिए तो दूसरा अपडेट रांची का सबसे चर्चित टूर्नामेंट की बात कीजिए तो वह आपका कवाली का टूर्नामेंट। कवाली का टूर्नामेंट इस बार स्टार्ट हो रहा है आज से, और कवाली टूर्नामेंट जो सबसे चर्चित टूर्नामेंट है रांची का, आज उसका स्टार्टिंग डे है। तो आज वहां पर दो मैच खेले जाएंगे। इस बार प्राइज़ की बात की जाए तो प्राइज़ वहां पर पहला है 3 लाख, सेकंड 2 लाख, और तीसरा जो और चौथा जो टीम बनेगी उनको मिलेगा 50,000 रुपये। तो प्राइज़ में भी इंक्रीज किया गया है, साथ ही उसका हाइप बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज वहाँ पर दो मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा आप लोग का ऋषभ स्पोर्टिंग महिलोंग और वहाँ की मेज़बान टीम यानी 9 ब्रेड कवाली के बीच में, तो वहीं दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आप लोग का रांची टाइगर्स और मामा स्पोर्टिंग के बीच में, रातों के बीच में। तो दोनों ही मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं आज के, तो आप वहां पर जाकर फुटबॉल का मजा ले सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो वहां पर आप मेरे चैनल पर विजिट करके फुटबॉल का मजा ले सकते हैं। और एक और अपडेट की बात की जाए तो कल बड़ाम में खेला गया था फाइनल मुकाबला, जहाँ पर DC चांडिल के सामने थी RJ नामकोम यानी हुलुंडो की टीम, और दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी खेल रही थी। अंतिम लास्ट के 30 सेकंड में वहाँ पर RJ नामकोम गोल को वापस करती है और मैच टाई ब्रेकर में जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से DC चांडिल की टीम बाजी मार लेती है और रांची में पहली बार इस सीज़न का DC चांडिल कोई टूर्नामेंट जीती है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो बस इतना ही सा, आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही अगर नए चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल में मतलब लाइक करके ही जाएगी और कमेंट करके जाएगी कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।